गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हो गया आपका दूसरा टाइप का मेथड, टेंशन कोफिशिएंट मेथड। टेंशन कोफिशिएंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे मैं ट्रसेस वगैरह में एनालाइज कर सकता हूँ। जैसे ये एक ट्रस गिवन है, इस ट्रस को मुझे एनालाइज करना है, मतलब मुझे मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी तक स्ट्रक्चरल एनालिसिस मिलने से पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ा के रखा है, जो कि आप लोगों को भी पता है, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शंस, उससे मैं कर सकता हूँ। लेकिन टेंशन कोफिशिएंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे भी मैं मेंबर फोर्सेस निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वगैरह यूज नहीं होते। तो देखिए, फिर इसमें एक ट्रस गिवन है, इसमें मुझे क्या करना है, हर एक जितने भी पॉइंट्स है उनका मुझे नोडल फोर्सेस लिखना है। मतलब ए का नोड पॉइंट हो गया 0 0, बी का हो गया 2 0, सी का हो गया 4 0, मतलब इनका कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है। डी का हो गया 2 और ऊपर जा रहा है 0.1.5, ठीक है। तीनों चारों पॉइंट्स का मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिया। उसके बाद m इज इक्वल टू 2j - r, नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 2 times ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट माइनस ऑफ द 3 इक्विलिब्रियम। कुछ अगर 5 इक्वल टू फ्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट फ्रेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, समीशन ऑफ मोमेंट एट a इक्वल टू 0। क्यों मैं मोमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, ताकि मैं वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट कर पाऊँ, मतलब vn vc फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 से मैं VC का वैल्यू फाइंड आउट किया और VC का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 40.5 kN। और सिमिलरली वर्टिकल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दोनों मिला के 54 है। सो VA इज इक्वल टू 54 माइनस ऑफ 40.5 इज इक्वल टू 13.5 kN। तो फाइनली मेरे पास दो वैल्यू आ चुका है, वर्टिकल फोर्सेस एक हो गया 40.5, एक हो गया 13.5। उसके बाद नेक्स्ट हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दैट इज हॉरिजॉन्टल एट ए इज इक्वल टू 36 kN। ये फोर्सेस भी मेरे पास आ चुका है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एज वेल एज वर्टिकल फोर्सेस आ चुका है। नेक्स्ट मैं एक टेबल बनाऊंगा। इस टेबल में मुझे क्या करना है कि ये जो टेबल बनाया मैंने, टेबल में मुझे पहले तो लिखना है नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके बाद xi का मतलब है जो AB का है ना, AB पॉइंट का, जो ए बी पॉइंट है उनका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए, ए पॉइंट का एक्स है 0, बी पॉइंट का एक्स है 2, तो दोनों का बीच में डिस्टेंस हो गया एक्स जे माइनस ऑफ एक्स आई 2। सिमिलरली ए पॉइंट का वाई है 0, बी पॉइंट का भी वाई है 0, तो दोनों का डिस्टेंस हो गया 0। सो एल आई जे इज इक्वल टू रूट ओवर, अब एल आई जे लेंथ क्या होगा, रूट ओवर एक्स आई जे स्क्वायर प्लस वाई आई जे स्क्वायर। सो यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूँगा और रूट ओवर करूँगा। सो बी सी का मतलब है बी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट का एक्स, ये हो गया सी पॉइंट का एक्स। फिर से माइनस करूँगा तो 2 आएगा एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू बी पॉइंट का वाई वैल्यू एंड सी पॉइंट का वाई वैल्यू, तो वैल्यू आ रहा है 0, तो मैं 0 और 2 का स्क्वायर रूट करूँगा, स्क्वायर करके 2 आएगा। सिमिलरली मैं सी डी का करूँगा, बी डी का करूँगा और ए डी का करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगा 2.5, 1.5, 2.5। ये जितने भी है लेंथ मैंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जॉइंट ए को लिखूंगा। जॉइंट ए को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जॉइंट ए में सिर्फ मेरे पास दो ही अननोन्स है, मैं उसी मेंबर्स को मुझे कंसीडर करना होगा जिस मेंबर पे सिर्फ दो ही मेंबर्स है, दो ही अननोन्स है। तो ये हो गया दो अननोन्स इसमें, तो एक हो गया अननोन्स ऑफ दिस वन, एक हो गया अननोन्स ऑफ दिस वन। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू एक्स ए डी ना एक्स ए डी इंटू टेंशन ऑफ ए डी प्लस एक्स ए बी इंटू द टेंशन कोफिशियंट ऑफ ए बी। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 13.5 इज इक्वल टू द वाई ऑफ ए डी प्लस टेंशन कोफिशियंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू 0। देखना, ये ध्यान रखना है आपको, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें cos थीटा sin थीटा वगैरह नहीं आ रहा है, सिर्फ x में मुझे x लिखना है, y में मुझे y लिखना है और साथ में मुझे टेंशन कोफिशियंट मल्टीप्लाई करना है बस। तो फाइनली मैं टेंशन कोफिशियंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ए डी का टेंशन कोफिशियंट है 9 - 9 और ए बी का टेंशन कोफिशियंट है 27 kN/m। सिमिलरली नेक्स्ट हो गया
समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। बी पॉइंट में आप एसी और ना बीसी और बीसी और बीए का सारा वैल्यू सेम होगा, 100 बीए टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ बीए, 100 बीसी टेंशन कोएफिशिएंट बी की इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रहा है बीसी का 27 वर्टिकल, वो वाई ऑफ बीडी इनटू टेंशन को इक्वल टू 54। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रहा है टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ बीडी एंड बीसी इज इक्वल टू 27 एंड 36। सिमिलरली जॉइंट सी का मैं करूँगा, मतलब जितने भी मेंबर्स होगा सभी का टेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मेरे पास होना चाहिए, तो मैं वैसे ही सिमिलरली जॉइंट सी का करूँगा। जॉइंट सी का करने के बाद मेरे पास आएगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जॉइंट ए को लिखूँगा। जॉइंट ए को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जॉइंट ए में सिर्फ मेरे पास दो ही अननोन्स है, मैं उसी मेंबर्स को मुझे कंसीडर करना होगा जिस मेंबर पे सिर्फ दो ही मेंबर्स है, दो ही अननोन्स है। तो ये हो गया दो अननोन्स इसमें, तो एक हो गया अननोन्स ऑफ दिस वन, एक हो गया अननोन्स ऑफ दिस वन। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू एक्स ए डी ना एक्स ए डी इंटू टेंशन ऑफ ए डी प्लस एक्स ए बी इंटू द टेंशन कोफिशियंट ऑफ ए बी। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 13.5 इज इक्वल टू द वाई ऑफ ए डी प्लस टेंशन कोफिशियंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू जीरो। देखना, ये ध्यान रखना है आपको, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें cos थीटा sin थीटा वगैरह नहीं आ रहा है, सिर्फ x में मुझे x लिखना है, y में मुझे y लिखना है और साथ में मुझे टेंशन कोफिशियंट मल्टीप्लाई करना है बस। तो फाइनली मैं टेंशन कोफिशियंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ए डी का टेंशन कोफिशियंट है 9-9 और ए बी का टेंशन कोफिशियंट है 27 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। बी पॉइंट में आप एसी और ना बीसी और बीसी और बीए का सारा वैल्यू सेम होगा, 100 बीए टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ बीए, 100 बीसी टेंशन कोएफिशिएंट बी की इक्वल। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ रहा है बीसी का 27 वर्टिकल, वो वाई ऑफ बीडी इनटू टेंशन इक्वल टू 54। सो यहां से मेरे पास वैल्यू आ रहा है टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ बीडी एंड बीसी इज इक्वल टू 27 एंड 36। सिमिलरली जॉइंट सी का मैं करूँगा, मतलब जितने भी मेंबर्स होगा सभी का टेंशन कोफिशियंट की वैल्यू मेरे पास होना चाहिए, तो मैं वैसे ही सिमिलरली जॉइंट सी का करूँगा। जॉइंट सी का करने के बाद मेरे पास आएगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ सी बी इंटू द टेंशन कोफिशियंट ऑफ सी बी प्लस एक्स ऑफ सी डी प्लस द टेंशन कोफिशियंट ऑफ सी डी। अब वर्टिकल फोर्सेस y ऑफ सी डी प्लस टेंशन कोफिशियंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 40.5, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा टेंशन कोफिशियंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 27.5। अब मैं मेंबर फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करूँगा, जितने भी मेंबर्स मैंने लिखा था सभी का मेंबर्स मैं लिख लूँगा, उनका मैं लेंथ के बारे में लिखूँगा जो कि मैंने टेबल वन से बनाया था, फाइंड आउट किया था, लेंथ लिख लिया। अब मैं टेंशन कोफिशियंट भी लिख लूँगा। उसके बाद मुझे ये ध्यान रखना है, जब मैं टेंशन कोफिशियंट के साथ मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास फोर्सेस आएगा, दोस फोर्सेस आर एक्चुअल, और अब जो भी कोफिशियंट के साथ किया था लेंथ लिख लिया, अब मैं टेंशन कोफिशियंट भी लिख लूँगा। उसके बाद मुझे ये ध्यान रखना है, जब मैं टेंशन कोफिशियंट के साथ मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास फोर्सेस आएगा, दोस फोर्सेस आर एक्चुअल, और अब जो भी फोर्सेस आ रहा है दोस फोर्सेस आर एक्चुअली नोन एज द मेंबर फोर्स और द मेंबर फोर्सेस, ये जितने भी है ये मेंबर फोर्सेस है। देखिए फोर ये है डिराइवेशन, फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंशन कोफिशिएंट इनटू द एक्स डिस्टेंस। देखिए फोर ये है डिराइवेशन, फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल, ये मेंबर फोर्सेस है। देखिए फोर ये है डिराइवेशन, फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंशन कोफिशिएंट इनटू द एक्स डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंशन कोफिशिएंट इनटू द टेंशन कोफिशिएंट टू टेंशन कोफिशिएंट। देखिए फोर ये है डिराइवेशन, फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंशन कोफिशिएंट इनटू द एक्स डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंशन कोफिशिएंट इनटू द टेंशन कोफिशिएंट ऑफ ए बी इनटू द वाई ऑफ